नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए डबल कलर जिग जैग डिजाइन। ये डिजाइन मैंने 40 फंदों में बनाया है, 40 फंदों में, दो सिलाई की ये बुनाई होती है, उल्टी में भी पड़ती है, सीधी में भी पड़ती है। ये डिजाइन आप लेडीज, जेंट्स, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो आइए हम इस बुनाई को निकालना शुरू करते हैं। इस डिजाइन में आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं। मैं सैंपल में निकाल के दिखाऊंगी आपको। इस सैंपल में मैंने 15 फंदे डाले हैं, 15 फंदे। तो ये जैसे ये सिलाई हमने इस तरह से लेना है, यहाँ से नहीं लेना, सीधे फंदे, दो सीधे फंदे लेने, इस तरह से फंदा निकाला। ये पहला वाला फंदा घेर दिया, दूसरे को इसी में रहने देना। फिर हमने दो फंदे फिर लिए, पहला वाला घेर दिया इस तरह, दूसरा उसी में रहने दिया, हमने फिर से निकाला, फिर ये घेर दिया एक फंदा, फिर दो फंदे लिए, एक पीछे से लिया, एक वही फंदा बुना हुआ, फिर इसको भी एक घेर देना और एक जो है इसी पे रहने देना। इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कर लेंगे। ये हम लास्ट में आ गए अपनी सिलाई के, लास्ट में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये फंदा छोड़ा, फिर ये दो बुने लास्ट में, बुन लिए, ये छोड़ा और एक बचा लास्ट में, तो इसको हम ऐसी सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पे आ गए हम। उल्टी सिलाई में बुनना उल्टा है और उसी प्रकार से हमने ये एक फंदा छोड़ देना बुना हुआ और एक फंदा इसी पे रहने देना है। फिर दो फंदे लेने, दो फंदे लिए, इसको पहले वाले को इस तरह छोड़ देंगे। फिर लिए हमने, बुना, फिर इसको इस तरह छोड़ दिया। इसी तरह से हमें सिलाई पूरी आगे हम लास्ट में आ गए। लास्ट में दिखा देते हैं, ये छोड़ा, ये लास्ट के दो फंदे बुने हमने, ये छोड़ दिया, एक फंदा बचा, इसको हम इस तरह से उल्टा ले लेंगे, बन गया। अब मैं दूसरा कलर दिखाती हूँ इस पर लगा के। मैंने वाइट कलर लगाया, ये इस तरह से दो फंदे लिए और एक को घेर दिया हमने, फिर हमने दो फंदे लिए, इसको इस तरह से घेर दिया। फंदे ढीले रखने ताकि हमारा ये जिग जैग डिजाइन जो अच्छा सा दिखे, टाइट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सही नहीं दिखेगा। यदि टाइट हाथ चलता है आपका तो मोटी सिलाई लगा लीजिए आप। इस तरह से ये छोड़ देना है। इसी तरह हम पूरी सिलाई कर लेंगे। लास्ट में आ गए हम। इस तरह से ऐसे करना है, लास्ट में एक फंदा बच गया, इसको हम सिंपल ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई भी उसी प्रकार बुननी है। उल्टी सिलाई पे आ गए हम। दो फंदे लिए, दो फंदे लिए हमने, एक को हमने छोड़ दिया, एक को सिलाई पे रहने दिया, फिर दो फंदे बुने, फिर एक को घेर दिया, एक सिलाई पे रहने दिया, फिर सॉरी फंदे निकल गए, घेर दिया, एक फंदा रह गया इसमें, ये घेर दिया एक बच्चा हुआ, तो इसको दोनों को इस तरह बुन लेंगे हम, फिर इसको घेर देंगे। इसी तरह से हम उल्टी सिलाई अपनी पूरी कर लेंगे। इसको इस तरह घेर दिए, आगे करके दिखा। लास्ट में आ गए हम उल्टी सिलाई के। दो फंदे लिए, इस तरह से एक हमने घेर छोड़ दिया, फिर लास्ट के दो फंदे हैं, फिर इस तरह बुने और एक हमने इस तरह छोड़ दिया, फिर एक हम ये सिंपल ही बुन लेंगे अपना, एक फंदा सिंपल बुन लिया। इस तरह से आगे देखिए जिग जैग डिजाइन। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जल्दी हम बना नहीं सकते, इसने ढीला छोड़ना होता है, हमें जल्दी जल्दी बनाएंगे तो टाइट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप मैंने ये 10 नंबर की सिलाई लगाई, आप 9 नंबर की भी लगा सकते हैं। अरे मैंने बेबी वूल लिए वर्धमान की। मेरा ये डिजाइन आपको पसंद आया तो मेरे डिजाइन को
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।